और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के बारे में। और फ्रेंड्स, जब भी कुछ बड़ा बनाना होता है तो उसके लिए द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन भी उसी किस्म की लगती है। एंड गाइस, ये सलमान खान का बेस्ट शॉट होने वाला है एट द बिगेस्ट फिल्म ऑफ हिज करियर। वेल फ्रेंड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिगेस्ट फिल्म ऑफ हिज करियर, क्योंकि गाइस ये फिल्म सिर्फ बजट वाइज नहीं, स्केल वाइज नहीं, बल्कि शूटिंग वाइज भी सलमान खान की द मोस्ट लॉन्गेस्ट फिल्म टू बी शॉट बनने वाली है। वेल फ्रेंड्स, लास्ट टाइम व्हेन सलमान खान गेव ऑलमोस्ट अ ईयर, यानी कि एक साल फॉर एनी ऑफ हिज फिल्म वॉज इन 2010, जब उन्होंने अनिल शर्मा जी के साथ वीर फिल्म की थी। वो एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म थी, बहुत बड़ा स्केल था। तब गाइज बात करें वीर की, तो वीर की जो शूटिंग थी गाइज वो 2008 में शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट दिसंबर के 2008 में। एंड उस फिल्म की जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो रैप अप हुई थी 2009 में। यस फ्रेंड्स, जो शूटिंग रहती है 2009 के नवंबर में रैप अप हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 11 से 11.5 महीने सलमान खान ने एक फिल्म की शूट को दिए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, हम ऑन सेट सलमान खान की फिल्मों को फॉलो करते ही आ रहे हैं, चाहे वो दबंग 3 हो, चाहे वो रेस 3 हो, या फिर भारत हो। मैक्स टू मैक्स हम लोग 100 डेज की शूटिंग देखते हैं, 105 डेज की शूटिंग, ज्यादा से ज्यादा 110 दिन की शूटिंग देखते हैं, यानी कि लगभग 3.5-4 महीनों में वो अपनी फिल्म रैप अप कर रहे हैं। बात करें सुल्तान की भी, तो गाइस सुल्तान भी 6.5-7 महीने में रैप अप हो गई थी, लेकिन द टाइगर सीरीज की जो फिल्म रहती है वो बहुत समय लगता है बनने के लिए। बात करें एक था टाइगर की, तो गाइस एक था टाइगर में सबको पता है गाइस सलमान खान को अनफॉर्चुनेटली ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया की जो बीमारी है उसने जकड़ लिया था, इसी कारण है वो फिल्म बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो गई। जितना फास्ट वो फिल्म बनने वाली थी उतना फास्ट नहीं बन पाई, एंड इसी कारण है गाइस एक था टाइगर जिसकी शूटिंग सितंबर के महीने में शुरू हुई थी 2011 में, वो फिल्म रैप अप हुई जून 2012 में, यानी कि लगभग 9 महीनों की शूटिंग लगी उस फिल्म को, जस्ट बिकॉज सलमान खान ने सफर्ड एट इलनेस। लेकिन गाइस वो फिल्म का स्केल आज तक भी बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्में नहीं क्रैक कर पाई है। वो फिल्म बैंकॉक में शूट हुई, डब्लिन में शूट हुई, दिल्ली में, हवाना क्यूबा में शूट हुई, इस्तानबुल में शूट हुई, एंड गाइस इस सारी जगहों पर शूट हुई थी, एंड वाज अ स्पेक्टेकल टू वॉच। टाइगर सीरीज के फिल्में इसलिए स्पेशल हो जाती हैं क्योंकि गाइस उनकी फिल्में बहुत सारे फॉरेन लोकेशंस में शूट होती हैं, बजट फाड़ होता है फिल्म का, एंड बहुत वक्त लगता है शूट करने के लिए। एंड इसका जीता जाता एग्जाम्पल है अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है के लिए जो क्रू ने काम करना शुरू किया था ऑलमोस्ट 2016 में से शुरू कर दिया था, तो उन्होंने पूरा का पूरा सिटी है अबू धाबी में बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, टाइगर जिंदा है सिटी, जाके देखिए किस तरह से आर्ट डायरेक्टर्स ने उसको फ्रॉम स्क्रैच खड़ा किया था। पर फ्रेंड्स, टाइगर जिंदा है अबू धाबी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, मोरक्को, बुदापेस्ट, नाक्सोस, आइजियन आइलैंड, यानी कि इन सारी जगहों पर वो फिल्म की शूटिंग हुई थी। एंड गाइस उस फिल्म की शूटिंग जो थी वो जनवरी के 2017 में शुरू हुई थी, एंड उसकी जो फोटोग्राफी यानी कि जो फिल्म की शूटिंग है वो सितंबर 21 को रैप अप हुई थी, यानी कि लगभग ये फिल्म भी 8-8.5 महीने में शूट हुई थी। लेकिन इसके बीच में सलमान खान वॉज शूटिंग एंड प्रमोटिंग सम पोर्शंस ऑफ हिज अदर फिल्म ट्यूबलाइट को प्रमोट कर रहे थे, बहुत वक्त लग गया था इसके बीच में, इसी कारण है ये फिल्म भी प्रॉपर एक स्ट्रेच पे शूट नहीं हुई है। यानी कि बात करें एक था टाइगर की एंड टाइगर जिंदा है की, तो दोनों फिल्मों को बनने के लिए 7.5-8 महीने लगे हैं, एंड दे हैव बीन शॉट इन मल्टीपल लोकेशंस। वेल फ्रेंड्स, जैसा लास्ट एपिसोड था टाइगर 3 का, जहां मैंने आपको बताया था किस तरह से फरवरी के लास्ट वीक में या तो मार्च के फर्स्ट वीक में फिल्म की शूटिंग होगी एंड फिल्म रैप अप होगी अक्टूबर में, आई हैव बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। टाइगर 3 का जो शूटिंग स्केड्यूल है उसको बढ़ा दिया गया है बाय 3 वीक्स। यस फ्रेंड्स, ये फिल्म अब एग्जैक्टली सितंबर के लास्ट वीक में शुरू होगी, लेकिन इसकी जो फिल्मिंग है वो खत्म होगी अक्टूबर के लास्ट वीक में। 3 हफ्तों का स्केड्यूल बढ़ा दिया गया है, दैट मींस दिस फिल्म विल बी शॉट फॉर मोर देन 240 डेज, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट शूट्स ऑफ सलमान खान। एंड इसके बीच में ही वोंट डू एनीथिंग, कोई प्रमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं, इसी का कारण है वो राधे को फटाफट रिपब्लिक डे पर रिलीज करके जाना चाहते हैं, ताकि वो एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, इसके बाद पूर्ण तरीके से इस फिल्म में लग जाए। एंड गाइस ये फिल्म 240 डेज का स्केड्यूल होगा, जिसमें से ऑलमोस्ट 195-200 डेज की प्रॉपर शूटिंग होगी, क्योंकि जैसा आपको पता है स्केड्यूल्स के बीच में ट्रैवलिंग रहती है,
बहुत सारे लोग क्रू को ट्रैवल करना होता है, एक लोकेशन दूसरे लोकेशन जाना रहता है, रेस्ट डे रहता है या फिर कोई बीच में काम आ जाता है, तो इसलिए 20-30 दिन गैप रखते हैं, यानी कि लगभग लगभग 195 डेज इस फिल्म की शूटिंग होगी। एंड वीर के बाद द मोस्ट लॉन्गेस्ट फिल्म ऑफ सलमान खान टू बी शॉट बनेगी टाइगर 3। इसका स्केल बहुत ही खतरनाक तरीके से माउंट किया जा रहा है। मनीष शर्मा इनकी जो टीम है वो इस कदर से इसकी प्लानिंग कर रही है कि इट विल ब्लो यू अवे। एंड गाइस अभी मेरे पास खबर आई है तो दिस फिल्म विल बी शॉट इन मोर देन 18 सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन अबाउट 7 कंट्रीज। यस फ्रेंड्स, 7 कंट्रीज में शूट होगी इन 18 सिटीज। इतनी बड़ी तरह से ये फिल्म प्लानिंग की जा रही है। दिस इज ह्यूज गाइस, द एक्साइटमेंट बिल्डअप कर रहे हैं 27 सितंबर के अनाउंसमेंट के लिए। ये लिटरली अब काबू में नहीं हो रखे गाइस, अभी बस 2 हफ्ते बचे हैं, आपको इस फिल्म का अनाउंसमेंट आएगा एंड उसके बाद आई थिंक देयर विल बी फायरवर्क्स। ओके गाइस, आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। फाइनली टाइगर 3 की जितनी भी जानकारी है वो आस्ते आस्ते करके वापस आ रही है। वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट शूट्स ऑफ सलमान खान, ये इस फिल्म में उनकी पूरी की पूरी जान लगा देंगे एंड मेक इट इज हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। एंड यही अशरा चाहता है कि वो उनके प्रोडक्शन हाउस है, उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जो है टाइगर जिंदा है, जिसने ऑलमोस्ट 339.16 करोड़ का नेट बिजनेस किया था इन इंडिया विद टाइगर 3, दे वॉन्ट टू एंटर द 400 करोड़ क्लब। ओके गाइस, इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही है। एज ऑलवेज सर, स्टे कूल मैन।